एक गीत बजा, कानपुर से एक नौटंकी आती थी गुलाब भाई जान की, हमारे बहराइच शहर में दरगाह शरीफ में। चचा गुलाब भाई की नौटंकी सुना। हमारे दरगाह शरीफ में गुलाब भाई की नौटंकी आई, हम लोग छोटे थे तो परिवार के साथ देखने गए वहाँ मेला, तो वहाँ भाई थिएटर भी देखा, उसमें एक गीत गा रही थी क्या कि पान खाला मुन्नी क्या बात है, आदरणीय श्री नंद किशोर माखन चोरी की ओर से पूरे जौनपुर में रहे हैं कि पान खाला मुन्नी खैर नहीं बात, बोल बतियाला पैर नहीं बात, तो 3:30 बजे साढ़े 3 बजे मुन्नी जरूर मिलना तमाम बातें 5 के बदले 50 क्या बात है आदरणीय दादाजी, भैया दादाजी क्या बात है, श्री आजाद हनुमान पर्ची तो भूल गए कहीं नैनी प्रयाग, आपकी ओर से पुनः आपने आशीर्वाद दिया है, इस पंक्ति पर आशीर्वाद दिया है, 100 पद मुद्राओं का हृदय से आपको मैं नमन कर रहा हूँ। अरे पान खाला मुन्नी खैर नहीं बात, अरे बोल बतियाला खैर नहीं बात, तो 3:30 और शायद 3:30 बज भी रहे हैं। बिल्कुल राइट टाइम के 3:30 बजे मुन्नी जरूर सुनिएगा। विषम पितामह का रथ उधर खड़ा है, कन्हैया अपना रथ लिए इधर खड़े हैं, आमने सामने भगवान कन्हैया ने प्रतिज्ञा किया, एक बार और मांग पूरी करो के पान खाला मुन्नी खैर नहीं बा, हमारे दादा श्री आजाद हनुमान जी की ओर से, नैनी प्रयागराज की ओर से पुनः आपने 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे भैया अनिल भाई को दिया है, हृदय से धन्यवाद है, और आदेश हुआ कि एक बार फिर से धुन को गा दिया जाए। पान खाला मुन्नी खैर नहीं बा, बोल बतियाला खैर नहीं बा, तो 3:30 बजे 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना रथ आमने सामने खड़ा है, इधर कन्हैया जी खड़े हैं सारथी के रूप में रथ पे विराजमान है, उधर भीष्म पितामह है, आदरणीय कल्पना दुबे जी सुनेगा, भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अस्त्र उठवा के रहूंगा। अब देख रहा हूं कि भक्त की बात रखते हैं, भक्त का मान रखते हैं या प्रभु अपना मान रखते हैं, अपनी प्रतिज्ञा रखते हैं या भक्त की प्रतिज्ञा रखते हैं, तो भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा कर दी, घोड़ों को घायल कर दिया,
अर्जुन को घायल कर दिया, भगवान कन्हैया को भी घायल कर दिया। कहा नहीं गया तो कन्हैया रथ से नीचे कूद पड़े तो चक्र तो नहीं उठाया लेकिन रथ का पहिया उठा लिया। जब उठा लिया तो कहने का भाव है, चाहे वो युद्ध के मैदान में अगर अपने बचाव के लिए अगर एक डंडा ले लिया जाए तो वो अस्त्र शस्त्र ही माना जाता है। जब चक्र की जगह पे उठा लिया पहिया, बस त्यों ही भीष्म पितामह रथ से नीचे कूद पड़े, चरणों में गिर गए। हो गया प्रभु, बस मैं यही कहना चाहता हूं। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैंने देख लिया कि भक्त के आगे भगवान हमेशा झुक जाता है भक्त के प्रेम में। सो बस प्रणाम किया और भागवत में कई श्लोकों में आपने स्तुति की है भीष्म पितामह जी ने भगवान कन्हैया की। सुनेगा अब मन ही मन में वार्ता हो रही है कि भगवान का नाम है अंतर्यामी, जो अंतर आत्मा की बात को जान ले। हम मन में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कन्हैया कन्हैया आज लड़ाई होगी। कैसे? अरे आठवें हैं आप और आठवें हैं हम। मेजर श्री पंचमलाल निषाद जी करेला बाग बालू मार्केट प्रयागराज की ओर से पुनः एक किस्मत मुद्रा इंद्र से नमन है। सम्मान्य भैया श्री गेंदलाल जी, श्री ब्रजलाल जी दोनों सगे भाई हैं और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज और दोनों भाइयों की ओर से आप दोनों भाइयों ने हमें आशीर्वाद दिया है। एक सुपुत्र मुद्रा को हृदय से नमन कर रहा हूँ। जय हो। पितामह ने कहा आठवें हैं आप अपने माता पिता की आठवीं संतान है तो मैं भी अपने माता पिता की आठवीं संतान हूँ। आठवें हैं आप और आठवें हैं हम, और वासुदेव आप और वसुदेव हम। आप वासुदेव माने भगवान है और मैं आठ वसुओं में आठवां वसु देवता हूँ, जो आठ वसु कहे जाते हैं। मैं आठवां वसु हूँ और यहाँ आठवां पुत्र भी हूँ। श्राप के वशीभूत होकर मुझे मानव के रूप में जन्म लेना पड़ा तो मैं भी वसु देवता हूँ। अरे वासुदेव आप और वसुदेव हम, ब्रह्मचारी हैं आप ब्रह्मचारी हैं हम, और कि कई नारी के आप बिना नारी के हम। आपके कई नारी 16108, हम ब्रह्मचारी हैं आप भी ब्रह्मचारी हैं। अरे ब्रह्मचारी हैं आप ब्रह्मचारी हैं हम, कई नारी के आप बिना नारी के हम। लेकिन एक फर्क है कन्हैया, क्या कि दुई अम्मा के तुम दुई अम्मा के हम। आपकी दो माताएं, माता यशोदा माता देवकी, तो हमारी भी दो माँ हैं गंगा और सत्यवती। दुई अम्मा के तुम दुई अम्मा के हम, लेकिन एक फर्क है कन्हैया, क्या के दुई बप्पा के तुम एक बप्पा के हम। आपके दो बाप है। हाँ, उल्ले हो। और आदरणीय मेजर साहब श्री पंचमलाल निषाद जी की ओर से पुनः एक किस्म तरह हिंदी से नमन करता हूँ। भले कदुई बप्पा के तुम एक बप्पा के हम, तो कोई कम नहीं और कोई कम नहीं केसो, और ना है कोई कम कोई कुछ ऐसे महापुरुष जन्म लिए हैं जैसे बलराम जी दो माता के गर्भ से 7 महीने माता देवकी के गर्भ में रहे, योग माया ने गर्भ से निकाल कर रेवती के गर्भ में प्रवेश कर दिया तो 3 महीने वहां रहे। नंद किशोर माखन चोर जी की ओर से
अच्छा क्या बात है, 101 पत्र बधाई, धन्यवाद है। इनके सम्मान में आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए। निवेदन करेंगे, ताली बजाने में कुछ जाता नहीं है, किसी भी कलाकार की बात अच्छी लग जाए, और हमसे ज्यादा ये श्रोता आप लोग जो श्रोता विद्वान है ये लोग महान है, तो इनके सम्मान में ताली बजा दीजिए। ऐसे ही भैया जी आदमी सुनेगा, और बताया हनुमान जी पहुंच गए भगवान राम और लक्ष्मण का पता लगाने पाताल लोक। पहुंचे तो देखा दरवाजे पे द्वार पे पहरेदार के रूप में उनका ही बेटा मकरध्वज खड़ा हुआ था। रोक लिया हनुमान जी को, नहीं जाने दे रहे, लड़ाई होने लगी। अब लड़ाई कर रहा है और लड़ाई भी कर गदा चला रहा है, तो बोलो हनुमान जी की जय। अब वो बजरंग बली की जय। अब वो गदा भी चला रहा है और हनुमान जी से लड़ भी रहा है। हनुमान जी का ठहरो भाई, ठहरो ठहरो, तुम हो कौन? कौन हो? हम ही से मोहब्बत और हम ही से लड़ाई। अरे मार डाला जुदाई जुदाई, हम ही से भाई लड़ाई कर रहे हो, हमारे नाम का जप भी कर रहे हो, कौन हो? कहा मैं पवन पुत्र, मकरध्वज हूँ, नहीं क्षमा करे, मैं हनुमान का बेटा, मैं बजरंग बली का पुत्र मकरध्वज हूँ। हाँ। ये देखो हमारे भाई, हमारी शादी हुई नहीं, मैं ब्रह्मचारी आदमी, विवाह हुआ नहीं, लड़का पहले पैदा हो गया। बोले तुम पैदा कैसे हुए? बोले आप जब लंका को जलाकर अपने पूंछ बुझाने सागर की ओर गए, सागर में डुबकी लगाई, जलन को शांत किया, पूंछ को बुझाई, आपका जो सारा पसीना शरीर का है वो मेरी माता जो पूर्व जन्म में वो मेनका नाम की अप्सरा है, उनको शापिला ब्रह्मा से वो मछली हो गई वो सागर में, और मेनका चाहती थी कि हनुमान जी के द्वारा हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो वो वरदान भी हो रहा है, शाप भी इधर सब सत्य हो रहा है और वरदान भी सत्य हो रहा है, एक पुत्र हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी का पसीना वो मछली पी गई जिससे मकरध्वज पैदा हुआ। तो कहा सुनेगा कल्पना जी, मकरध्वज ने कहा कि पिताजी सुनिए, अरे बंदरिया से तुम अंजनी को भी श्राप है वो श्राप से वानरी हो गई, और मेरी माता को भी श्राप है वो श्राप से मछली हो गई। हाँ। तो कहा के बंदरिया से तुम तो मछरिया से हम, लेकिन एक फर्क है के तीन बप्पा के तुम तो एक बप्पा के हम। उधर तीन पिता आपके, शंकर सोन केसरी नंदन, पवन पुत्र हनुमान, तो कोई कम नहीं देखो और कोई कम नहीं देखो और ना है कोई कम, परमादरणीय हमारे चाचा जी पिता तो